माता जी, तो कैसे हैं आप सभी? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज की ये वीडियो है, ये विजयादशमी यानी दशहरे के दिन शमी पूजा के ऊपर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ आप शमी पूजा करने वाले हैं, उस जगह को झाड़ू से बुहार कर साफ कर लीजिए। जल का छिड़काव कीजिए अच्छे से, जल का छिड़काव करने के बाद वहाँ पर आप चौक पूरे या तो रंगोली बना दीजिए। तो रंगोली बनाने के लिए मैं इस वक्त क्या यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा एक काज है तो मैं इसका ही यूज़ कर रहा हूँ। अब ये चेंज होगा बिकॉज दिवाली आने वाली है, तो मैं दिवाली पर चेंज करूँगा इसे। तो मैं यहाँ पर आटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि रंगोली कलर इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है। तो मैं इससे ही जैसे बन सके वैसे रंगोली बनाऊँगा। आप भी शमी पूजा करिए। शमी पूजा क्यों की जाती है, इस विषय में मैं आपको पूजा करते करते बता दूंगा। तो शमी पूजा इसलिए की जाती है कि शमी वृक्ष के नीचे भगवान ने दशहरे के दिन श्री राम जी ने शमी का पूजन किया था। पूजन के लिए आपको क्या करना है, रंगोली बना देती है। और शमी वृक्ष की महिमा बहुत ज़्यादा है, ये भक्त भी कहलाती है भगवान शिव की, और शमी को देवी रूप भी माना जाता है। प्राजिता देवी का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं वास बताया गया है। तो आपको रंगोली बनानी है जिस तरीके से मैंने बना दी है, एक छोटी सी सिंपल सी रंगोली, ऐसे आपको रंगोली बनानी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि शमी का जो वृक्ष है उसे रंगोली के ऊपर स्थापित करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने रंगोली के ऊपर शमी वृक्ष की स्थापना कर दी है। अब आपको क्या करना है, जो शमी का वृक्ष है जिसका जो गमला है उसे आपको हल्दी और आटे से या फिर जिससे भी रंग आपका कलर हो तो उस कलर से ऐसे ऐसे करके सजाना है। तो मैं साथ साथ आपको उसकी कथा बताता हूँ कि राम जी ने इसका पूजन किया था। इसके अलावा पांडवों ने भी इस वृक्ष का पूजन किया था शमी का। ये पूजन दशहरे के दिन किया जाता है। कहते हैं राम जी ने इसके नीचे अपने अस्त्र रखे थे और भगवान शिव का स्वरूप मानकर, शिव शिवा का स्वरूप यानी शिव शक्ति का स्वरूप मानकर इस वृक्ष का पूजन किया था। इसके अलावा और भी मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि पांडवों ने जब वनवास के दौरान अपने जो अस्त्र शस्त्र थे उसे भी शमी वृक्ष के नीचे ही छुपाया था। तो इसलिए शमी वृक्ष की महिमा और भी ज़्यादा है। तो आप उसके गमले को भी अच्छे से सजाइए कि जिसके नीचे शमी है या फिर जिस जगह पर आप शमी की पूजा कर रहे हैं उसे वैभवपूर्ण करिए थोड़ा, क्योंकि हम पूजा करते दिया जलाकर हम सोचते हैं कि प्रॉपर हमने पूजा कर ली, ऐसा नहीं होता है। पंचोपचार षोडशोपचार ऐसे पूजा की जाती है। तो इस तरीके से मैंने शमी वृक्ष को यहाँ पर सजा दिया है, रंगोली बनाकर इसे सजा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे जल से सींचूँगा। तो आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है तो मैं यहाँ पर शमी वृक्ष को जल से सींच रहा हूँ। इस वक्त आप श्री सीताराम चंद्राभ्याम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मैंने शमी को इस प्रकार से सींच दिया है। अब आपको क्या करना है कि शमी को चंदन, जैसे कि मेरे पास चंदन है, इस वक्त मैं चंदन शमी को चढ़ा रहा हूँ। ऑरेंज कलर का चंदन है, फिर हल्दी है, कुमकुम है, मैंने ये सब शमी को लगा दिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे शमी का इतना पूजन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे दो दीपक रखे हैं, एक तेल का, तेल का दीपक वृक्ष के लेफ्ट साइड में रखिएगा और घी का दीपक राइट साइड में वृक्ष के। तो इस तरीके से मैंने दोनों दीपकों की स्थापना करी है और यहाँ मैं अगरबत्ती ले रहा हूँ। मैं अगरबत्ती देख सकते हैं आप, मैंने दो अगरबत्ती ली है, इसको मैं प्रज्वलित कर लूँगा। अगरबत्ती के द्वारा ही दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर लूँगा। अगरबत्ती को बुझाकर आप लेफ्ट साइड में ही शमी वृक्ष के अगरबत्ती दोनों लगा दीजिए। इसके अलावा मेरे पास ये धूप है, मैं धूप को भी वृक्ष के ही पास में स्थापित कर दूंगा और भगवान को भोग के लिए ये मेवा और मिश्री का भोग लगा दूंगा। और ये कर्पूर है, कपूर से मैं शमी वृक्ष की आरती कर लूँगा। आपका घंटी हो तो आप घंटा नाद कीजिएगा, ऐसे कर्पूर से प्रभु की आरती कर प्रभु को आरती दीजिएगा और उसके बाद आरती स्वयं भी ले लीजिएगा। शमी वृक्ष से प्रार्थना कीजिएगा कि हमें अनंत सौभाग्य, हमारा कभी शमन ना हो
और हमें विजय प्रदान करते रहिए, और भगवान शमी को पुष्प से अलंकृत कर दीजिएगा। ये पुष्प आप बाद में निकाल लीजिएगा टाइम से, क्योंकि बाद में क्या फायदा कि वो दूसरा पेड़ उग जाए। और जो आपने नवरात्रों में ज्वारे बोए होते हैं उसे भी आप शमी को समर्पित कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं। ये विजयादशमी के दिन है तो हमारे अष्टमी की पूजा होती है, अष्टमी के बाद जब पूर्ण आहुति हो जाती है उसके बाद ज्वारे में जल नहीं दिया जाता, तो इस कारण से तो ज्वारे पीले पड़ गए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शमी का पूजन कर दिया। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब भी शमी का पूजन करें तो उस वक्त आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें, तांबे के लोटे से ही शमी को जल अर्पित करिए। दो घृत के दीपक या ज़्यादा से ज़्यादा घृत के दीपक लगाइए, शमी के पौधे को मूल से भी सजाइए, जड़ों से भी सजाइए, और भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको सदैव ही विजय दिलाएं, सदैव ही आपका सौभाग्य बढ़ाए। इस जिस तरीके से प्रभु राम ने आपकी सेवा करी उसी तरीके से हम भी आपकी सेवा करते हैं शमी देव, आप हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से शमी भगवान से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के अनंतर एक स्तोत्र है, वह स्तोत्र गाया जाता है, वह स्तोत्र की वीडियो भी मैं आपको अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप वह स्तोत्र सुनिएगा। हो सके तो उसके लिरिक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप खुद भी उस स्तोत्र को गाइएगा। बोलिए शमी भगवान की जय।